ही हाय गाइस, तो यहाँ पे Xiaomi ने अपना एक नया स्मार्टफोन चाइना मार्केट में लॉन्च कर दिया है जो कि Xiaomi का Mi 8 है और इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस स्मार्टफोन से रिलेटेड। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 2018 में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहे हैं और बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं, और सभी के परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो वो काफ़ी कमाल की रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये 2018 जो ईयर है ये स्मार्टफोन का ही ईयर होने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके स्पेसिफिकेशंस आपको चेक करते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है और किस प्राइस सेगमेंट में आपको ये स्मार्टफोन मिल सकता है और ये स्मार्टफोन किसको टक्कर दे सकता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं अगर इस स्मार्टफोन की स्क्रीन की बात करूं तो यहां पे जो आपको स्क्रीन मिलती है वो मिलती है 6.28 इंचेस का फुल HD रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि आपको सैमसंग का सुपर AMOLED स्क्रीन को इस्तेमाल किया गया है इस स्मार्टफोन में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि सभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल ही रही है। तो यहाँ पे भी आपको Xiaomi ने शुरुआत कर दी है अपने नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन से। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की से बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है रियर साइड में, जो कि आपको 12 MP का दोनों ही कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट कैमरा है वो आपको 12 MP के साथ में जो एपरेचर इस्तेमाल किया गया है इसमें वो है 1.8 का, जो कि काफी कमाल की बात है। और इसके साथ में जो इसका सेकेंडरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको 12 MP का मिलेगा, और इसमें आपको जो एपरेचर इस्तेमाल किया गया है वो है 2.4 का। तो यहाँ पे गाइस एक अच्छी बात है, और साथ ही साथ आपको बैक साइड में एक LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। और बैक एंड से बात करूँ तो ये बिल्कुल ही ग्लास फिनिश का स्मार्टफोन देखने को मिलता है आपको, और बैक साइड में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की से बात करता हूँ तो इसमें आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और इसका जो एपरेचर है वो है 2.0 का। तो ये बहुत ही अच्छी थिंग हो सकती है। अब इस स्मार्टफोन की अगर मैं बैटरी कैपेसिटी की से बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3400 mAh की बैटरी, जो कि एक पावरफुल बैटरी हो सकती है, क्योंकि इसमें इस स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो अगर यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी नहीं भी दी गई है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया गया है आपको, तकरीबन आधे घंटे के अंदर में आपका स्मार्टफोन अच्छे चार्ज हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसके सबसे बेस्ट पार्ट की से बात करूं तो ये स्मार्टफोन का आता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर इसमें आपको जो इस्तेमाल किया गया है वो Snapdragon का 845, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट और सुपर फास्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं इसके सारी चीज की से बात करूं तो अभी तक यहाँ पे मुझे सारी कुछ इसमें बहुत ही अच्छी लगी है। अब अगर मैं इसके रैम वेरियंट के साथ आता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग सेगमेंट में ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी में आपको रैम 6GB का ही देखने को मिलेगा। बस जो चेंजेस होंगे वो इसके इंटरनल स्टोरेज के साथ में किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला स्मार्टफोन निकल करके आएगा वो आएगा आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जिसकी प्राइस सेगमेंट आपको देखने को मिलेगी 29,000 rupees, जो कि आपको इंडिया में लॉन्च होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसका सेकेंड वेरियंट होगा वो है आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और इसका प्राइस सेगमेंट तकरीबन 32,000 के अप्रॉक्स होने वाला है। और इसी तरह आपको 256GB वाला प्राइस होगा उसका आपको 35,000 के अप्रॉक्स में। और इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड का ओरियो अभी मिलेगा हाल फिलहाल में, और ये अपडेटेड है एंड्रॉइड पी के साथ में, और साथ ही साथ में आपको MIUI का इसमें 10 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया होगा, और ये स्मार्टफोन अभी किलर हो सकता है OnePlus 6 का, क्योंकि ये सीधे सीधे सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, तो यहाँ पे वो उसको टक्कर दे सकता है। तो ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्मार्टफोन और ये वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।